दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक मिरर वर्क का डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या कोई भी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक बड़ा सा सर्कल कर लिया और इससे चार पार्ट में डिवाइड किया और यहाँ भी इस तरह से एक पॉइंट दिया। तो सबसे पहले इसके सेंटर में हमें इस तरह से मिरर को लगाना है। तो देखिए, सर्कल के बीच में इस तरह से मैंने मिरर रख लिया है और अब हमें इस तरह से देखिए यहाँ से आएंगे, यहाँ इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर यहाँ से आएंगे, फिर हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए यहाँ पे निकालना है। तो बस इसके चारों तरफ इस तरह से देखिए हमें थ्रेड से चारों तरफ इसे टक कर लेना है। अब हम यहाँ आएंगे, ये मेरा सेंटर है और यहाँ भी इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा लेना है और हमें इस तरह से इसे टाइट रखना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नीडल को डाउन करेंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ बना लेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे। तो देखिए, ये मेरा सेंटर का पार्ट है। तो बस अब इस तरह से हमें इस तरह से इसके चारों तरफ जो मेरा बटन होल स्टिच है इसे हमें करते जाना है। इस तरह से इसके चारों तरफ हमें कर लेना है। आप चाहे तो मिरर को चिपका भी सकते हैं, बस ध्यान रखना कि इस तरह से आपको यहाँ पे टाइट करना है। और हर थ्रेड को इसे इस तरह से हमें हर थ्रेड के बीच से हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से इसके चारों तरफ हमें करते जाना है। तो देखिए, इस तरह से ये जो डाउन का थ्रेड है इसे भी हमें इसी तरह से निकाल लेना है। पूरा सर्कल हमें इसी तरह से करते जाना है। तो देखिए, इसी तरह से मेरा ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो इसके चारों तरफ देखिए इस तरह से हमने बटन होल स्टिच कर लिया है। तो अब हम यहाँ से इसके चारों तरफ एक चैन स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसके चारों तरफ इस तरह से हमें इसके चारों तरफ हमें बस नॉर्मल चैन स्टिच जो होता है इसे कर लेना है।
छोटा छोटा चैन करेंगे इस तरह से, हल्का हल्का कपड़ा पकड़ते हुए हमें इसके चारों तरफ इस तरह से चैन स्टिच कर लेना है। बहुत सिंपल है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है, देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से इसके चारों तरफ हम चैन स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो इस तरह से डॉट है तो मैं बस इस तरह से डॉट के पास हमें नीडल को यहाँ पे इस तरह देखिए डॉट के सामने हमें नीडल को निकालना है इस तरह से, और डॉट के सामने हमने नीडल को इस तरह से डाल देना है। नेक्स्ट हमें आना है यहाँ भी इसी तरह से हर डॉट के पास हमें नीडल को डालते हुए यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। फिर जस्ट इसके सामने जो ये मेरा डॉट है तो मैंने यहाँ पे नीडल को निकाला है और यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेना है। तो बस इसके चारों तरफ जो भी डॉट इस तरह से बने हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे 8 डॉट है, तो बस डॉट के पास नीडल को निकालते हुए इस तरह से देखिए तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे निकालना है इस तरह से, और ये जो चैन स्टिच है यहाँ पे नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। फिर हम आएंगे यहाँ भी इसी तरह से जो मैंने चैन स्टिच किया था इसके बीच से हमें नीडल को इस तरह से निकालना है और यहाँ पे इस तरह से डाउन करते हुए यहाँ पे इस वाले डॉट में निकाल लेना है। फिर हम यहाँ पे डाउन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एक और सर्कल बनाया था तो इन सर्कल के बीच में, इन दोनों के बीच में इस तरह से हमें नीडल को निकालना, देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेंगे। तो बस हमें करना क्या, इसके सेंटर में इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज रखना है हमें इस तरह से, और फिर यहाँ पे आएंगे यहाँ भी इस तरह से हमें यहाँ निकालना है और इसके सेंटर में इस तरह से डाल देना है। तो बस इसी तरह से इसके चारों तरफ भी हमें इसी तरह से कर लेना। आप चाहे तो जो मैं इस तरह से ये लाइन बना रही हूँ आप अपने अनुसार इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से देखिए इसके बीच में इस तरह से चैन स्टिच में मैं नीडल को डाल दूंगी। तो बस इसी तरह से हमें ये सर्कल भी बना लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने इसके चारों तरफ बना लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना, जैसे इस तरह से देखिए ये जो मेरा लाइन है तो बस हमें इस तरह से सबसे पहले थोड़ा सा लाइन के इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है और ठीक यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाउन कर लिया है, यानी कि लाइन के इस तरफ नीडल को निकालना है, लाइन के दूसरी तरफ हमें नीडल को डाउन करना है। नेक्स्ट हमें ठीक यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बगल में मैंने नीडल को निकाल लिया। अब क्या करना, इस पॉइंट में एक सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ फिर इसके ऊपर से यहाँ से नीडल को निकाल लिए, फिर यहाँ से इसके बीच से, फिर एक बार इसके बीच से इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने दो सर्कल बना लिया इस तरह से। तो देखिए इस तरह से, और मैंने यहाँ पे नीडल को निकाला था तो ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है, देखिए इस तरह से, बहुत सिंपल है। तो इस तरह से हमें नीडल को डाउन करते हुए फिर सेम इसी तरह से हमें यहाँ करना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए नीडल को निकालेंगे और ठीक यहाँ पे इस तरह से डाउन करेंगे। तो फिर से हमें इस तरह से नीडल को यहाँ पे निकालना है,
और यहाँ पे इस तरह से देखिए, इसके बीच से निकालते हुए और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लूज रखेंगे, फिर यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ। और फिर से हमें यहाँ से यहाँ पे निकालेंगे, देखिए इस तरह से इसके बीच से हमें निकालना है और फिर ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को निकालते हुए यहाँ पे हमें डाउन कर लेना है, क्योंकि बस दो ही सर्कल करना, पूरा इसके दो चारों तरफ हमें इस तरह से दो बार घुमाना, फिर हमें यहाँ आना इस पॉइंट में। तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए, बहुत आसान है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है, देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और यहाँ से यहाँ देखिए इस तरह से नीचे से डाउन करते हुए यहाँ पे आएंगे, इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। तो एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, फिर इसके बीच से, और फिर मैंने नीडल को यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लिया। तो देखिए ये दो सर्कल कंप्लीट हो गया। तो बस इसी तरह से हमें हर लाइन में करते जाना, बस इसके इसमें हमें दो सर्कल बनाना है। तो इस तरह से फिर से हमें, मैंने नीडल को इस तरह से डाउन कर लिया है, और ध्यान रखना कि थ्रेड को ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना और लूज भी नहीं रखना। तो बस इसी तरह से अब हमें यहाँ पे करना है, एक बार ऊपर तो दूसरी बार इसके नीचे। फिर हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी इसी तरह से दो राउंड हमें मारना है। ये एक, और यहाँ से फिर जब इस तरह से हमें जाना है, फिर से इसके बीच से इस तरह से निकालना है, और जहाँ पे हमने नीडल को निकाला ठीक यहाँ पे इस तरह से डाउन कर देना। तो देखिए इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ कर लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ डिज़ाइन ये बनकर तैयार है, और आप देख ही सकते हैं कितना सिंपल और ये कितना सुंदर लग रहा है। इसे आप अपने अनुसार इस लाइन को आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।